नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों काफ़ी समय के बाद मैं आपको एक काफ़ी सीनियर भैंसा दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप। चलो दोस्तों, मील के सीजन के बाद में अब कल्टीवेटर से थोड़ी राहत मिली है इन्हें भैंसों को। ये कटड़े भैंसे हमारे यहाँ झोटे झोटे बोले जाते हैं मेरठ क्षेत्र में, झोटे कल्टीवेटर में चल रहे हैं ज़्यादातर। जैसे ये बड़ा भैंसा है आपके सामने, इस तरह का कटड़ा ज़्यादा पेला जाता है कल्टीवेटर में, तो इस वजह से ये बढ़ नहीं पाते। अब आगे बरसात का मौसम, जैसे जैसे बरसात शुरू होगी उसमें ही इन पर ज़्यादा रंग आएगा। और ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सिंगार है, काफ़ी अच्छी बनावट है, पैरों का भी काफ़ी साफ है। गंगा स्नान कहाँ से? यहाँ से ही? अच्छा, घाट घाट गांव में था दोस्तों। चले, ये गढ़ गंगा जी गया था, मतलब काफ़ी जगह है, शौकीनों के पास में रह लिया। इनका जो मोड़े भैंसे की हमने पहले वीडियो डाली थी, वो अंदर कोठे में बंद रहा था, उस भैंसे का पैर ख़राब हो गया था गन्नों के सीजन में, जैसे जोर वोर लगाए मुराहे पे से पैर ख़राब हो गया था, तो फिर यो लाना पड़ा। और ये काफ़ी अच्छा भैंसा इनका निकला, काफ़ी अच्छे गन्ने इसने डाल ले। लगभग कान्नी कितने दिन का भर रहा होगा? दोस्तों थोड़े समय का ही कान्नी भरा हुआ है। चले, काफी अच्छा चलने में बढ़िया बेहतरीन भैंसा ये आपके सामने है। और दोस्तों ये भैंसा सेल में भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा इसका। और काफ़ी बेधड़क बढ़िया जोर लगाने वाला और बहुत ही अच्छा, और कंधा भी देख सकते हैं काफ़ी साफ सुथरा पशु है। कोई भी खोल लो, कोई भी बांध दो, किसी तरह की कोई मरोड़ नहीं है, कोई धोखे से नहीं मारता, बढ़िया है। क्योंकि दोस्तों ये ज़्यादातर मारने पीटने से सताने से, और ज़्यादातर ये ज़्यादा खुराक देने से भैंसे बिगड़ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा खुराक देते हैं तो फिर ये उस खुराक को झेल नहीं पाते, और इनका मारने के रूप में टक्कर वक्कर मारने में भैंसों के मारने लगते हैं, बुग्गियों में मारने लगते हैं, फिर अपने मालिकों के मारने लगते हैं, फिर धीरे धीरे जो है ये चला। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नंबर मिल जाएगा, मालिक से आप बात कर सकते हैं। भैंसा जो है सेल में है, और ये हमारे मित्र के पास में है, अरुण पंडित जी के पास में, और ये इनकी जो है घर की झोटी चल रही है एक इनके पास में, इससे ये तैयार कर ली थी इन्होंने। और वो पखाड़ा कटड़ा सेल हो गया, कहाँ गया, क्या गड़बड़ हुई? अच्छा दोस्तों, जो इन्हीं से जो कटड़ा इन्होंने तैयार करा था काफ़ी बढ़िया हिला, बहुत ही बढ़िया चलाक निकला वो, लेकिन ये बता रहे हैं कि उसमें जो था दिक्कत बनी कि वो जो था वाहनों को देख कर रोड पे थोड़ा डिस्टर्ब होने लगा था, इसलिए वो इन्होंने व्यापारियों को सेल कर दिया। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने वो बात छुपाई नहीं, जो है उसे लगातार चेक करते रहे, फिर ये एक बछिया इनके पास में तैयार हो गई है। और दोस्तों इनके पास में एक ये बछड़ा आ गया है, बहुत ही अच्छा, और अभी ये छोटा ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा बछड़ा नहीं है अभी तो, इसका जो है खुरी भी नहीं लगी है, ये शायद एक साल के आसपास का है। चले, और दोस्तों इन्होंने इसे बच्चों ने हाथ वाथ फहरा के इस पर बढ़िया तरह से इसे परचा लिया है। छोटू भाई ये इसके पास में, और दोस्तों बहुत ही प्यारा, और ये जो है बिल्कुल हिल के फिट है, और बहुत ही बढ़िया तरह से आप देख सकते हैं, क्योंकि जब ये आया था जब तो काफ़ी कूद फांद रहा था, लेकिन इन्होंने इसे बिल्कुल परचा के सेट कर दिया है बहुत बढ़िया, और अब ये बहुत अच्छी तरह से
बहुत ही प्यारा बछड़ा। तो जैसे ही इसे फिरक में चलाना है, बुग्गी में, बड़ी में भी चल जा। अच्छा, फिरक भी लगा रखा दोस्तों। जहाँ से इन्होंने लिया है, उन्होंने भी इसे जोड़ रखा था, फिट कर रखा था। इन्होंने चला के देखा, इन्हें पसंद आ गया। भला पड़ना है, वैसे बिल्कुल सीधा है। अच्छा, जय जोड़ के खड़ा कर दें, चुप खड़ा रहे। तो दोस्तों देख सकते हैं, मेरा भी हेरवा कर रहा है, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी अच्छा सुंदर बछड़ा ये आज हमें देसी बछड़ा देखने को मिला, बहुत ही अच्छा। और दोस्तों फिरक में हिल के फिट है। जिन भाइयों को इस तरह का बछड़ा चाहिए, वो इस बछड़े के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। झोटे की वीडियो मैंने डाल दी है साथ में, फ़ोन नंबर है, और इसी वीडियो के साथ में इस बछड़े का भी जो है आप संपर्क कर सकते हैं। ये बछड़ा भी अगर कोई अच्छे पैसे लगा देगा इसके, तो ये बछड़ा भी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो इनके पास में आप पहले छोटी बछिया देखते थे, ये अब ब्याली है। एक ही बार तो ब्याई है अभी, पहलवान। दोस्तों खारके की कह दो, या हमारे यहाँ मेरठ क्षेत्र में तो पहलवान बोलते हैं, पहली बार की पहलवान। ये जो है इन्होंने अपनी देसी और साहिवाल मिक्स थी वो, उससे जो है फिर गिर का टिक्का लगवा के उसमें ये बछिया तैयार करी है। और इसका दूध अभी निकला है, बहुत ही अच्छा जो है इसने पहली बार इसमें दूध दिया। और फिर इसमें जो है इन्होंने जो टिक्का लगवाया, फिर ये बछिया जो है इन्हें प्राप्त हुई है। ये भी काफ़ी अच्छी प्यारी बछिया आई है। तो अभी इनके पास में देसी वैरायटी में तीन बछिए होगी, एक तो वो होगी, एक वो पीछे मैंने बछड़े के पास में आपको दिखाई, एक ये होगी। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। दोस्तों जिस पिड्ढे में ये चल रहे हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। अब ये दूसरा पिड्ढा इनके पास में आ गया है, ये देख सकते हैं कहाँ का बना हुआ। दोस्तों ये मवाना मॉडल है, ये तो मुझे कुछ बड़ा सा लग रहा है आपके, 4x4 का। आगे देख सकते हैं इसमें, इसकी बनावट काफ़ी अच्छी है। बांस भी ये यहाँ से इन्होंने गांठे इसकी घिस रखी है। ये तुमने घिसी, उन्होंने घिस रखी, अच्छा उन्हीं से घिसवाई थी। गेल लगे ली, बांस काफ़ी मजबूत दोस्तों इसमें लग रहे हैं। और इसमें ये टायर हैं, और इस तरह का इसमें जो है हब पड़ा हुआ है, ये बुलेट मोटरसाइकिल के टायर बोल ले जाते हैं, और काफ़ी सुंदर। तो ये कंप्लीट कितने में आ गया, 11,500। दोस्तों फ्रेम इसका लोहे का है, ये देख सकते हैं काफ़ी मजबूत फ्रेम है। तो बछड़ा और कटड़ा इसी में टहल रहे, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों ये साइज हमें काफ़ी अच्छा लगा इसका, काफ़ी सेफ है, पहिए जो है अंदर ही हैं, और काफ़ी बड़ा है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा ये पिड्ढा आज देखने को मिला। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कटड़ा बछड़े में से पीछे क्या लिख रहा। दोस्तों इसमें पहले पिड्ढे की तरह इसमें भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा, ये देख सकते हैं काफी सुंदर जो है इसमें डिजाइनिंग हो रही है। मोर के पंख बन रहे हैं भाई, बड़े सुंदर। और दोस्तों ये काफ़ी अच्छी सपोर्ट इसमें लग रही है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, धन्यवाद, जुड़े रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर है। दोस्तों ये जो है पिड्ढा ये बिकाऊ नहीं है, बछड़ा और कचड़ा बिकाऊ है, उनके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।